राधे राधे दोस्तों हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है आज हम आपको लड्डू गोपाल की ये बुलेरो जैकेट बनाना बताएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसमें हमने कोई बुनाई नहीं डाली है सिर्फ हमने इसे उल्टा उल्टा बुना है उल्टे तरफ से भी उल्टा और सीधे तरफ से भी उल्टा बुना है इसमें हमने चौबीस फंदे डाले हैं ये छह नंबर और सात नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है और हमने इसे उल्टा बुना है अगर आप इसे सीधा बुनेंगे और चौबीस फंदे डालेंगे तो ये पाँच नंबर के लड्डू गोपाल को आ जाएगी क्योंकि उल्टे फंदे हैं जो बढ़ते हैं से खींचते हैं इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा बन गया है ये छः नंबर और सात नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है तो आइए हम बताते हैं इसे हमने कैसे बनाया है पाँच नंबर और छह नंबर लड्डू गोपाल के लिए ब्लेरो जैकेट बनाने के लिए हमने ये ऊन ली है और ग्यारह नंबर सलाई ली है ग्यारह नंबर सलाई में हम बाईस फंदे डालेंगे ये पाँच नंबर लड्डू गोपाल के लिए है ये छ को भी आ जाएगी इसमें हम बाईस फंदे डालेंगे इसे हमने नीचे से बनाना शुरू किया है पीछे पार्ट से हमने इसमें बाईस फंदे डाल लिए हैं अब पहली सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे ऐसे ही हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे इसमें पहली सिलाई पूरी उल्टी बना ली है अब हम दूसरी सिलाई भी पूरी उल्टी बनाएंगे पहला पंदा उतारेंगे अगर आपको नहीं उतारना है बुनना है तो आप बुन भी सकते हैं इसमें हमें सिर्फ उल्टी उल्टी सलाई बनानी है उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधे तरफ से भी उल्टी अभी हम बना के बताते हैं हमने इसमें दूसरी सिलाई उल्टी बना ली है अब हम ये तीसरी सिलाई है उल्टी बना रहे हैं जैसे इसमें देखो ये लाइन बन गई है ये लाइन बन गई है ऐसे ही लाइन, ऐसे ही हमें इसमें लाइनें बनानी है जितना लंबा आप करना चाहें उतना लंबा कर सकते हैं इसमें हमने बाईस फंदे डाले हैं तो हम इसमें बारह लाइनें बनाएंगे अभी बना के दिखाते हैं इसे हमने इतना बना लिया है देखो इसमें हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह लाइने बना ली हैं अगर आप इसकी लंबाई और बनाना चाहते हैं तो आप आगे और भी बना सकते हैं लेकिन हम इसे इतना ही लंबा बनाएंगे अब हम इसके फंदे ये इसे हम तीन भागों में बांटेंगे इधर ये कंधे के फंदे ये गले के फंदे घटाएंगे और इधर ये कंधे के फंदे इसमें हमने बाईस फंदे डाले हैं तो आठ आठ फंदे हम एक कंधे पर रखेंगे पहला फंदा उतारेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे बुन लिए हैं अब बीच के छह फंदे हम गले के घटा देंगे एक दो ये फंदे हम यहीं पे बंद कर देंगे तीन चार पाँच और छ फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए हैं देखो ये अब ये फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ फंदे हमने बुन लिए हैं अब हम इधर से फिर से फिर आठ फंदों को दोबारा बुनेंगे दो तीन चार आठ फंदे हमने फिर बुन लिए हैं अब यहां से हम एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे और ये तीन फंदे नहीं बुनेंगे क्योंकि इधर पे ये इतना चौड़ा है और इधर पे इतना सकरा है तो हम ये फंदे दोबारा बुनेंगे और ये तीन फंदे अभी नहीं बुनेंगे ये तीन फंदे हम नहीं बुनेंगे इस फंद हम ऐसे वापस लाएंगे ये पांच फंदे हम दोबारा से बुनेंगे एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे हमने बुन लिए अब इधर से हम आठों फंदे बुनेंगे पहला फंदा ऐसे उतारेंगे दो तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ फंदे बुन लिए, यहाँ से भी हम आठ फंदे बुनेंगे पहला फंदा उतारेंगे दो तीन चार पाँच छ सात और आठ इधर हम फिर वापस आएंगे, पहला फंदा उतारेंगे और ये सब ए दो तीन चार पाँच पाँच फंदे हम बुनेंगे अगर हम इस फंदे को ऐसे ही यहाँ से वापस जाएंगे तो देखो ये छेद बन गया है इसके लिए हम क्या करेंगे इस फंदे को हम ऐसे इस साइड लेंगे और धागा ऐसे करेंगे और यहाँ से हम ऐसे वापस जाएंगे और फिर से हम इसी फंदे को इस सिलाई में वापस ले लेंगे और ये फंदे हम बुनेंगे एक दो तीन चार और पाँच फिर से हम ऐसे ही करेंगे पहला फंदा उतारेंगे ये सभी फंदे हम बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और सात फिर वापस आएंगे और सात सॉरी कितने हैं आठ फंदे हैं आठों फंदों को हम दोबारा से बुनेंगे ये किनारी वाला फंदा हमें दोनों साइड से उतारना है दो तीन चार पाँच छ सात और आठ फिर ऐसे वापस होंगे फिर पहला फंदा उतारेंगे दो तीन चार पाँच पाँच फंदे हम बुनेंगे और ये छठवा फंदा है इसे हम इस सिलाई पर लेंगे धागा ऐसे करेंगे फिर हम यहाँ से ऐसे वापस आएंगे इस फंदे को इसी पे वापस लेंगे और फिर इन पांच फंदों को हम बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच ऐसे ही हमें पूरा बनाना है इसे हमने इतना बना लिया है पांच फंदे हमने बुने हैं फिर तीन फंदे नहीं बुने हैं फिर अंगली सिलाई में पांच फंदे बुने हैं और फिर इस सिलाई में कितने आठ फंदे थे आठ फंदे बुने हैं फिर अंगली सिलाई में हमने आठ फंदे बुने हैं फिर से हमने पांच फंदे बुने हैं ऐसे ही हमने पूरी लाइन बनाई है इसमें हमने देखो कितनी लाइनें आई हैं इधर तक हमने ये बुना था इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ लाइनें बन गई हैं और इधर ये सोलह लाइनें हैं तो अब हम इसे फंदे घटाएंगे और फिर हमें यहाँ पे इसे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे ऐसे ये जो फंदा आएगा उसे भी हम इसी में लेंगे धागा हम थोड़ा बड़ा सा काटेंगे जिससे हम इसे सिल दें इसे हम ऐसे सिलेंगे ऐसे रखर का पार्ट हमने बना लिया है ऐसे सेम हम इस साइड भी बनाएंगे इसमें हम ऊन लगाएंगे और ऐसे हम ऐसे पूरा उल्टा बुनेंगे हम ऊन लगा के दो सलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे एक सलाई और ये दूसरी सलाई ये दोनों सलाई हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे अब हम ये तीसरी सिलाई पर हैं, तो हमें ऐसे बनाना है इधर पर हमें फंदे ये कम रखना है और इधर चौड़ाई ज्यादा रखनी है तो ऐसे ही हम इधर पर कम रखेंगे और इधर ज्यादा रखेंगे तो कम के लिए हम ये तीन फंदे नहीं बुनेंगे हम सिर्फ ये पांच फंदे बुनेंगे जैसे हमने उस साइड किया था एक दो तीन चार और पाँच पाँच फंदे बुने इस फंदे को हम इस सलाई में लेंगे धागा ऐसे रखेंगे और यहीं से हम ऐसे वापस हो जाएंगे अब इस फंदे को हम फिर वापस इसी सिलाई में ले लेंगे और ये पांच फंदे फिर से बुनेंगे दो तीन चार पाँच अब हम आठों फंदे बुनेंगे इधर से हम पूरी सलाई उल्टी बनाएंगे इसमें भी हम आठों फंदे बुने फंदे बुनेंगे दो बार हमें इसे पूरा पूरा बुनना है और एक बार हमें से सिर्फ पांच फंदे बुनने हैं अब हम फिर से पांच फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार और पांच। इसको इसमें लेंगे धागा ऐसे करेंगे ऐसा करने से ये जो बीच में छेद आ जाता है वो नहीं आएगा फिर इसे हम इधर कर लेंगे और ये पांच फंदे हम फिर से उल्टे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार और पाँच इधर से फिर हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे सॉरी आठ फंदे उल्टे बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ अब इधर से भी हम आठ फंदे पूरे आठ बुनेंगे आठ फंदे मतलब उल्टे बुनेंगे इधर से अब हम सिर्फ पांच फंदे बुनेंगे पहला फंदा हमेशा उतारना है दो तीन चार पाँच इस फंदे को हम इस सिलाई पे ले लेंगे ऐसे धागा रखेंगे ऐसे हम वापस जाएंगे और फिर इस फंदे को हम वापस इसी सिलाई पे ले लेंगे और ये पांच फंदे हम फिर से बुनेंगे इधर से पूरे हम आठ फंदे बुनेंगे ये जैकेट बनाने में बहुत ही आसान है और बिगनर्स इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं बस आप वीडियो स्किप ना करें वीडियो पूरा ध्यान से देखें इधर से भी हम आठ फंदे बुनेंगे आप बुनाई डालना चाहें तो बुनाई भी डाल सकते हैं पीछे फिर हम पांच फंदे बुनेंगे इस फंदे को इधर लेंगे धागा ऐसे करेंगे और ऐसे हम फिर इस फंदे को इसी सिलाई पर ले लेंगे अब आठ फंदे हम बुनेंगे ऐसे ही हम इसे इसमें हमने अभी कितनी लाइनें बनाई हैं एक दो तीन चार चार लाइनें बन गई हैं अभी चार लाइनें हम और बनाएंगे पूरी हमें आठ लाइनें बनानी हैं ये हमने पांच फंदे हैं अब हम फिर से ऐसे करेंगे वापस आएंगे फिर ये फंदा इसी में लेंगे और ये पांच फंदे हम फिर से बुनेंगे अभी बुन के हम आपको दिखाते हैं हमने इतना बना लिया है देखो इसमें आठ लाइनें बन गई हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ आठ लाइनें बन गई हैं अब हम इसके फंदे घटाएंगे दो फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे फिर एक जो फंदा आएगा उसे इसी में लेंगे और अब इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे फिर इस फंदे को इसी में लेंगे ऐसे ही हम सभी फंदे घटा देंगे धंदे हमने घटा दिए हैं धागा थोड़ा हम बड़ा ही काटेंगे जिससे हम इसे सिल सकें अब हम ऐसे इस पे सिलाई लगा देंगे ऐसे ऐसे नहीं रखना है ऐसे हमें ऐसे घुमा के रखना है ऐसे और ऐसे ही हम ऐसे रखेंगे इस पे हम अभी सिलाई लगाएंगे अब हम इसे ऐसे सिलेंगे ऐसे रखेंगे जैसे हम स्वेटर सिलते हैं वैसे हम इसे भी सिल देंगे ऐसे ही हम दूसरे साइड भी सिलेंगे ये हमने सिल दिया है ऐसे ही हम इस साइड से लेंगे इसने इसे हमने देखो दोनों साइड से सिल दिया है ये कितनी सुंदर बन गई है अब हम इसके चारों तरफ मोती लगाएंगे और इधर बांधने के लिए डोरी लगाएंगे इस पे हमने क्रोसिया निकाली थी डबल क्रोसिया की है अगर आप मोती लगाना चाहें तो लगा सकते हैं नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं लेकिन मोती लगाने से ये और भी सुंदर लगेगी लीजिए हमारी ये बलैरो जैकेट बन गई है इसमें हमने मोती लगा दिए हैं ये बांधने के लिए डोरी है ये पांच नंबर लड्डू गोपाल को एकदम सही आएगी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू